इस वीडियो में हम दो की टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो DRDO का NASM है, जिसका जो डेवलपमेंट है वो काफी समय से प्रोसेस में था, और इसके टेस्ट को लेकर जो अनुमान है वो लगाए जा रहे थे पिछले कुछ मंथ में, और एक जो NOTAM है वो भी इशू किया गया था इस वीक के लिए। तो फाइनली NASM का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा ITR चांदीपुर ओडिशा कोस्ट पे, और जो भी अपने मिशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तय किए थे वो अचीव किया गया है। NASM के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक नेवल एंटीशिप मिसाइल है जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है वो नेवी के सीकिंग MK-42B से कंडक्ट किया गया है, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर मिशन के लिए इसको फायर किया गया था जैसे किसी स्किमिंग ट्रेजेक्ट्री, तो वो इसने अचीव की है और एक टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट भी किया है। तो यहाँ पे जो मिसाइल के कंट्रोल लॉ है, गाइडेंस है, और जो मिशन एल्गोरिथम है उन सभी का वैलिडेशन हुआ है। जो भी इसके सब सिस्टम थे सबके जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं, और ऑन बोर्ड जो भी सेंसर थे उनके जो आपको रिजल्ट मिले हैं पॉइंट ऑफ लॉन्च से टारगेट पे इंपैक्ट तक, वो सभी आपके अकॉर्डिंग रहे हैं। तो यहाँ पे मिसाइल में जो नई टेक्नोलॉजी है उसका डिप्लॉयमेंट हुआ है, और इनमें से जो पहली नई टेक्नोलॉजी है वो मिसाइल के लॉन्चर को लेके है। लॉन्चर यहाँ पे नया पहली बार डेवलप किया गया है। मिसाइल का जो गाइडेंस सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस सिस्टम है, स्पेशली जो नेविगेशन पार्ट है इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स में वो नया यहाँ पे है। तो इन सब का जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। अगर मिसाइल के स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो जो रेंज है वो 55 किलोमीटर तक जाती है लॉन्च होगा ये भी सीकिंग से। वेट यहाँ पे लगभग 380 केजी के अराउंड रहेगा। वो ऑलरेडी 100 केजी के अराउंड कैरी करने वाला है। जो यहाँ पे प्रोपल्शन मैकेनिज्म है वो सॉलिड रॉकेट मोटर है। एक बूस्टर मोटर भी दिया गया है जो कि इजेक्टेबल कॉन्फिगरेशन में है, लगभग 3.2 सेकंड के बाद वो इजेक्ट हो जाएगा। और फिर जो आपका सस्टेनर मोटर है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जिसका जो बर्न टाइम है वो 125 सेकंड का है। नेविगेशन की बात करोगे तो जो मिड कोर्स है वो INS और ऑल्टीमीटर के द्वारा है, जहाँ पे ऑल्टीमीटर की हेल्प से ऑल्टीट्यूड को गेज करता रहेगा ट्रैवल करते हुए। और टर्मिनल फेज में जो IARC का है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको इसके हेड पे भी दिख रहा होगा इन मिसाइल टेस्ट के टाइम पे। क्रूज ऑल्टीट्यूड की बात करोगे तो लगभग 15 मीटर ऑल्टीट्यूड पे मिड कोर्स में ट्रैवल करेगा और 5 मीटर पे टर्मिनल फेज में ट्रैवल करेगा। लॉन्च ऑल्टीट्यूड की यहाँ पे बात करते हो तो जो मिनिमम लॉन्च ऑल्टीट्यूड है वो 91 मीटर का है, और मैक्सिमम आप इसको 3 किलोमीटर से लॉन्च कर सकते हो। और ये सभी ट्रैवल पाथ के टाइम पे जो स्पीड रहेगी वो 0.8 मार्क की रहने वाली है। कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे दो की एस्पेक्ट दिए गए हैं। पहला जो मिसाइल का एरोडायनेमिक्स है उसको वैसे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े आपको चार फिन्स दिख रहे हैं जो कि मिसाइल के मेन बॉडी पे हैं, और टेल की तरफ जो एक्चुएटर कंट्रोल फिन्स हैं वो भी दिए गए हैं। तो इससे जो मिसाइल की हैंडलिंग होगी वो एरोडायनेमिकली कंट्रोल की जाएगी। जो सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पे रहेगा, बूस्ट फेज में JVC दिए गए हैं, यानी कि जेट वन कंट्रोल दिए गए हैं शार्प कंट्रोल के लिए। तो किस तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, तो एनिमी को जो शिप हो गया और जो पेट्रोल बोट्स हैं उन सभी को ये डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। अगर मिसाइल के कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो कुछ जो इनर कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको ऐसा दिखता है अरेंजमेंट, जहाँ पे बूस्ट फेज में जो JVC है वो भी आपको दिख रहा होगा, जेट विन दिख रहे हैं, ये आपको एक्चुअल पिक्चर में भी दिख रहा है। बूस्ट फेज में इग्निशन के लिए जो मैकेनिज्म है इग्नाइटर वो दिया गया है। फेयरिंग यहाँ पे दिख रही है आपको, और इन सबको कनेक्ट रखने के लिए जो मेटिंग कनेक्टर्स है वो आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे टेल सेक्शन में तो फिन का जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो दिया गया है। पायरोवोल्ट दिए गए हैं 4 के नंबर में। पुशर यहाँ पे दिया गया है चेक करने के लिए बूस्टर को। डेटा लिंक का यहाँ पे जो ट्रांसमीटर और रिसीव मॉड्यूल है वो यहाँ पे दिया गया है। जो ऑल्टीमीटर है उसके सेंसर भी आपको यहीं पे दिखेंगे। आगे बढ़ोगे तो जो सस्टेनर मोटर है वो दिया गया है, जो कि विंग्स के जस्ट नीचे है। 4 के नंबर में जो विंग है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और 4 के नंबर में जो फिन है वो आपको पीछे दिख रहे थे। तो सस्टेनर के लिए जो इग्नाइटर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। जो लिफ्टिंग लग्स है मिसाइल को लिफ्ट करने के लिए वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। इसके आगे बढ़ोगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है मिसाइल का वो अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस मैकेनिज्म है GPS है, GPS एंटेना है, डेटा लिंक का रिसीविंग यूनिट है, और ऑल्टीमीटर का ट्रांसमिटिंग यूनिट यहीं पे दिया गया है। जो PPU है यानी कि पेलोड प्रोसेसिंग यूनिट वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जो अम्बिलिकल केबल है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, स्पेशली सीका के लिए। आगे बढ़ोगे तो जो वॉरेड है वो आपको दिख रहा है डिले फ्यूज के साथ। और उसके आगे आप बढ़ते हो तो जो IARC का है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसको डेवलप किया है IRDE ने। और यहाँ पे सीकर के साथ जो कूलिंग सिस्टम है वो भी दिया गया है। तो जो कहने की सेंसिटिविटी होगी वो हायर होगी सीका की। तो कुछ इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो आपको NASM में देखने को मिलेगा। आज जो मिसाइल को फायर किया गया है उसकी रेंज क्या है वो स्पेसिफाई नहीं थी, लेकिन इससे पहले जो भी शोकेस किया गया है DRDO के द्वारा वहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज बताई गई है SR वेरियंट के लिए वो 55 किलोमीटर के अराउंड है। सो ये एक अच्छा डेवलपमेंट आप कहोगे। जिस तरह से जो वॉर सिनेरियो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है, तो उन सबको देखते हुए इस तरह के मिसाइल का होना आपके हेलीकॉप्टर्स पे वो एक एडवांटेज ही है।
यहीं पे हम बात करते हैं इंडियन नेवी के दो वॉरशिप के बारे में। पहला जो आपका वॉरशिप हो गया वो INS सूरत हो गया, जो कि अभी INS नहीं है, और जो दूसरा है वो उदयगिरी है, जो कि फ्रिगेट कैटेगरी है, P-17A की। अगर डिस्ट्रॉयर सूरत की बात करोगे तो ये फोर्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है P-15B का। इन दोनों को कल ही लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा, जहाँ पे जो सूरत की कमीशनिंग है वो 2025 में होनी है। सूरत से पहले जो इम्फाल है और मोर मुंगाव है वो ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं 2019 और 2016 में, उनकी जो कमीशनिंग है वो 2022 और 2024 में होनी है। मोर मुंगाव की बात करोगे तो जो सी ट्रायल है वो कंडक्ट हो रहे हैं, और जो INS इम्फाल रहेगा वहाँ पे फिटिंग आउट जो काम है वो चल रहा है। तो नेवी के स्ट्राइक क्षमता में ये जो एडिशन है वो होने जा रहा है। यहीं पे बात करोगे उदयगिरी की, जो कि एक नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है। इंडिजिनसली इसको बनाया जा रहा है MDL के द्वारा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को दो भागों में बनाया जा रहा है, एक MDL के द्वारा, दूसरा GRSE के द्वारा, जहां पे MDL 4 फ्रिगेट बनाएगी और GRSE आपके 3 फ्रिगेट बनाएगी। तो जो नीलगिरी है वो 2019 में लॉन्च कर दिया गया था, जिसकी जो कमीशनिंग है वो 2022 में होगी। नीलगिरी को लेकर हम सभी जानते हैं, ये इस क्लास का पहला फ्रिगेट है P-17A का। उदयगिरी यहाँ पे सेकेंड फ्रिगेट है, जिसकी जो कमीशनिंग है वो 2024 में होनी है, और जो बाकी के दो फ्रिगेट हैं MDL के इसी कैटेगरी के, उनकी कमीशनिंग 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। वहीं पे GRSE वाले फ्रिगेट्स की बात करोगे तो एक ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है 2020 में हिमगिरी को, और इसी कैटेगरी में जो GRSE का सेकंड फ्रिगेट होगा उसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो इस साल ही जुलाई में कंडक्ट की जाएगी, जहाँ पे जो कमीशनिंग होगी इन सभी की वो 2025 से पहले होनी है। तो एक बड़ा जो फायर पावर है उसका एडिशन होने जा रहा है इंडियन नेवी में इन 7 फ्रिगेट के आ जाने के बाद। और कुछ ऐसा ही आपको डिस्ट्रॉयर्स के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे विशाखापट्टनम क्लास के जो 4 डिस्ट्रॉयर हैं वो सब इंडियन नेवी को 2025 से पहले मिल जाएंगे। सो ये कुछ जो की डेवलपमेंट है वो पिछले 2 दिनों में आपको देखने को मिले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।